अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को देखकर पता लग ही गया होगा। जी हाँ, हम आज रसगुल्ले बनाएंगे और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। इसे बनाना यूँ तो बहुत ही आसान है, बस कुछ चीज़ें आपको फॉलो करने होंगे जिससे कि रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, स्पंजी बनेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मेरे सारे टिप्स आप फॉलो करिए और आपके भी रसगुल्ले ऐसे ही मज़ेदार बनेंगे और सभी तारीफ़ करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाए हैं या बाहर से मंगवाए हैं। तो सारी चीज़ों को आप देखते रहिए, रेसिपी को पूरा देखिए ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ज़रा सी गलती आपके रसगुल्ले को बिगाड़ देगी। तो आइए बना लेते हैं रसगुल्ला। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क। ये मैंने पैकेट वाला दूध लिया है, आप चाहें तो गाय का दूध भी ले सकती हैं। तो इसे अभी मैंने उबाला नहीं है, इसे मैं उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ और इसे एक उबाल आने का मैं वेट करूँगी। इसे चलाते हुए आपको उबालना है बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर इसमें मलाई जम गई तो हमारा छेना अच्छा नहीं बनेगा, सारा फैट मलाई के साथ निकल जाते हैं। तो ये देखिए उबाल आ गया है, थोड़ी देर हिलाते हुए हमें इसे उबाल लेना है, तो लेकिन आपको चलाते ही रहना है। तो उबाल आने के बाद मैंने इसे गैस से उतार लिया है और इसे 2 मिनट बस इसी तरह चलाते हुए हम ठंडा करेंगे। बिल्कुल गर्म दूध को हमें नहीं फाड़ना है वरना छेना हमारा हार्ड बनेगा। तो ये देखिए अब इसमें मैं ऐड करूँगी 200 ग्राम दही। यहाँ पे मैं ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं यूज़ कर रही हूँ, जो ताज़ी दही होती है वही यूज़ कर रही हूँ। दही मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और दूध को हल्का सा घुमाती जाऊँगी ताकि दूध हमारा फट जाए। तो ये देखिए सारा दही हमारा ऐड हो गया है और दूध हमारा पानी छोड़, ये पानी को हमें छानकर निकाल लेना है और ज़्यादा हमें नहीं चलाना इस छेने को। छेना बहुत ही सॉफ्ट बनता है दही से। आप अगर नींबू या विनेगर से छेना बना रही हैं तो उसे आपको धोने की ज़रूरत पड़ती है, पर इस तरह से आप दही से अगर छेना निकालेंगे तो छेने की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और छेने को आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खटास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से हमने छाना सारा निकाल लिया है, अब इसे हमें पानी से निचोड़कर सारा पानी निकालना है, बट इतना पानी नहीं निकालेंगे कि छाना बिल्कुल ड्राई और पनीर जैसा हो जाए। तो हमें हल्के हाथों से पानी सारा निकाल लेना है। इस छेने को ज़्यादा छेड़ना नहीं है वरना ये सख्त हो जाता है। बहुत ही सॉफ्ट ये छेना होना चाहिए रसगुल्ले के लिए हमें, क्योंकि दूसरे मिठाई में आप थोड़ा सख्त छेना इस्तेमाल कर सकते हैं पर रसगुल्ले के लिए बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, तभी रसगुल्ले सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दबाकर मैं पानी निकाल रही हूँ जितना हो सके। अब इसके ऊपर कुछ भारी चीज़ रखकर हमें आधे घंटे के लिए रखना है। आप चाहें तो इसे कहीं हैंग करके भी रख सकते हैं ताकि पानी आधे घंटे में पूरा निकल जाए। बहुत ज़्यादा दबाकर पानी नहीं निकालना, हल्का सा मॉइस्चर छेने में होना चाहिए बट बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए वरना रसगुल्ले फटेंगे। ये पानी अब आप करी या फिर आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 कप पानी। इसमें मैं डालूंगी 1 कप भरकर चीनी। इसे हमें उबालना है सिरप बनाने के लिए, बट 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी, शुगर हमें 1 कप ही डालना है और इस तरह से हम उसे उबलने के लिए चढ़ाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ये छेना आधा घंटा हो गया है, अब मैं इसे मसल लूँगी। तो देखिए ये मैं निकाल रही हूँ, आप देख ही सकते हैं छेना हमारा कैसा सॉफ्ट हुआ है और पानी भी इसमें नहीं है। बस इसे आपको हाथ से मसलना है। देखिए मैं कपड़े से सारा निकाल ले रही हूँ, कपड़े में बहुत सारा लग गया है, तो इसे अब हमें मसल लेना है। देखिए कितना सॉफ्ट छेना है और पानी इसमें नहीं है लेकिन मॉइस्चर है हल्का सा। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, लेकर हमें इसे अच्छी तरह से मसलना है। लेकिन कॉर्नफ्लोर ज़रूरी नहीं है, आप नवी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही यूज़ कर रही हूँ। इसे इस तरह से मसलना है, हथेली से आप रगड़ कर बिल्कुल भी नहीं मसलेंगे वरना सारा फैट दूध का निकल जाएगा और रसगुल्ले फिर हार्ड बनेंगे। तो इस तरह से इसे मसलना है सॉफ्ट होने तक और ये चिकना हो जाए तब तक। एक टाइम देखेंगे कि ये खट्टा हो रहा है और काफ़ी चिकना हो गया है, क्रैक इसमें नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है ये हो गया है हमारा छेना। छेना तैयार है, अब हम इससे पोर्शन काट लेंगे और रसगुल्ले को शेप देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसके 8 इक्वल पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ, 8 हमें रसगुल्ले इससे मिल जाएंगे। तो आप इक्वली इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ लें। अगर आप छोटे साइज़ के बनाने चाहते हैं तो आप 10 भी बना सकती हैं, इससे
इस तरीके से 8 बनेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े रसगुल्ले बनेंगे। तो इसे हमें अब हाथ में घुमाकर इस तरह से बॉल जैसा बना लेना है। बिल्कुल भी आप इसे दबाकर या ज़्यादा टाइट सा बॉल नहीं बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्रैक एक भी नहीं है, इसका मतलब हमारा रसगुल्ला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और अच्छी तरह से मैश भी हुआ है। इस तरह से हम हथेलियों के बीच में रखकर इसे घुमाते हुए एक बॉल बना लेंगे। और ज़्यादा देर हमें इसे रखना नहीं है, आप दूसरी तरफ पानी उबलने के लिए चढ़ा दें और एक तरफ ये बॉल बनाती जाएं। तो ये देखिए हमारा बन रहा है और दूसरी तरफ पानी हमारा उबाल आ गया है। अब इसे बनाते ही हमें पानी में, उबलते हुए पानी में डालना है चीनी वाला पानी जो हमने चढ़ाया है। बस इसे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसे बनाने के लिए कोई भी सूखा आटा या फिर एरोरूट कुछ भी हमें यूज़ नहीं करना है, इसे पानी भी नहीं, ऐसे ही इसे आपको राउंड करना होगा। तो ये देखिए ये मेरा सारा रेडी हो गया है। अब पानी भी मेरा उबाल आ गया है, अब मैं इसे पानी में डालूँगी। एक एक करके हमें डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना। तो ये देखिए एक एक करके मैं डाल रही हूँ और बस इसे ढक देना है। अगर आप सारा एक साथ डालेंगे तो रसगुल्ले फट सकते हैं, और पानी में अगर एक साथ डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। हमें उबलता हुआ पानी इसी तरह से डालना है और इसे हमें ढक देना है 5 मिनट। मैं देख रही हूँ 5 से 6 मिनट मैं इसे देख लूँगी, उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी। और उसके बाद देखिए कितना फूल गया है हमारा रसगुल्ला, बिल्कुल फ्लफी हो गया है। इसमें मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है, ये खुद ब खुद फूल गया है। तो ये देखिए अब मैं इसे हल्का सा, इसे अभी हमें कुछ भी स्टर नहीं करना है, इसी तरह से इसे देखिए। तो फिर से मैं इसे ढक देती हूँ और इसे फिर से मैं 7-8 मिनट पका लूँगी। और ये देखिए ये कितना फूला फूला सा हो गया है। तो टोटल मैंने 10 मिनट इसे पकाया है। अब मैं इसे लो फ्लेम में थोड़ी देर पकाऊँगी, इसे ढककर मैं लो फ्लेम में पकाऊँगी। लो फ्लेम में भी 7-8 मिनट हमें रखना है, तो टोटल हमें 20 से 25 मिनट इसे पकाना है। तो ये देखिए लो फ्लेम में भी जब तक रसगुल्ले में एक क्रीमीनेस ना आ जाए, एक हल्का सा क्रीम कलर ना आ जाए, तब तक आपको इसे पकाना है। तो ये देखिए हल्का सा आप इसे टर्न कर देंगे ऊपर से नीचे, ताकि दोनों तरफ ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगे तो आप इसमें हल्का सा गर्म पानी मिला देंगे, और बनने के बाद अगर पानी बहुत ज़्यादा रह जाएगा तो फिर वहाँ पे शुगर डालकर आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। रसगुल्ले में सिरप बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा शुगर सिरप नॉर्मली है जितना रसगुल्ले में होता है, इसलिए मुझे और चीनी या फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको चीनी ऐड करना हो तो आप इसमें से सिरप थोड़ा निकालेंगे, उसमें चीनी ऐड करके सिरप बनाएंगे और इसमें फिर ऐड कर देंगे। और अगर पानी ऐड करना हो तो गर्म पानी ही ऐड करेंगे उबलते हुए रसगुल्ले में, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ। और इसी तरह से टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो करें, आपके भी रसगुल्ले बिल्कुल फूले फूले, बिल्कुल स्पंजी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल दुकान में जैसे मिलते हैं ना वैसे ही। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस तरह से, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और हाँ, जब भी आप बनाएं थोड़ा सा पेशेंस लेके बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही रसगुल्ले अच्छे बनेंगे, कभी कभी डिस्टर्ब हो भी जाते हैं, तो आप दोबारा ज़रूर ट्राई करें। और मुझे कमेंट में लिखें रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही एक लाइक बटन में क्लिक करें ताकि मुझे समझ आए कि रेसिपी आपको पसंद आई है। एक मैं आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखा देती हूँ हमारे रसगुल्ले कैसे बने हैं। तो ये देखिए मैं एक कटोरी ले लेती हूँ, उसमें मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरे गोल गोल है, और इसे काट कर मैं दिखाती हूँ। काटने पर आपको पता चल ही गया होगा ये कितना सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल जाली जाली स्पंजीनेस इसमें है। और बस ये बनकर तैयार हो गया है टेस्ट करने के लिए। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें, अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट पर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इसी तरह की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।